आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मेरा भंजन शहर वासियों की कई वर्षों से एक डिमांड थी कि जो दहशत चेक नाका के पास जो टोल नाका है उसे मुक्त किया जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। जैसे ही चुनाव नज़दीक आया वैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए टोल मुक्त किया आम नागरिकों के लिए। मैं आपको बता दूँ कि छोटी गाड़ियाँ यहाँ से बिना टोल भरे जा सकते हैं, जिसकी खुशी हर एक पार्टी के नेता मना रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। उसी प्रकार आज मेरा भंजर 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास, युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे, उनके साथ में कई पूर्व नगर सेवक और कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे खुशियाँ और जश्न मनाते दिखे और लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए लोगों को अभिनंदन दिए। साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का भी अभिनंदन दिया जिन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास और युवा जिला अध्यक्ष। आज मेरा भंजर शहर में बड़ा ही उत्साह और खुशी का वातावरण है। सभी के लिए खुशखबर आई है, आज भाजपा और महायुति की सरकार ने एक दहिसर टोल नाके के विषय के अंदर बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सालों से प्रतीक्षा थी कि इस मीरा भाईंदर शहरवासियों को कि इस टोल नाके को टोल फ्री किया जाए, और लंबे समय से जो लोग थे उसके ऊपर काफ़ी बड़ा आर्थिक बोझा हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के ऊपर आता था। करीबन 70 से 80 रुपया दिन का खर्च होता था, और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार ने हमारे भाजपा के सर्वोच्च नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन के अंदर आज एक निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय पारित हुआ, और 12 बजे से यहाँ पे मीरा भाईंदर पे शहरवासियों के लिए ये जो दहिसर टोल नाके का जो टोल था वो छोटी गाड़ियों के लिए, लाइट वेटेड मोटर व्हीकल्स के लिए पूरी तरीके से फ्री हो गया। अब हमारे नागरिक जो है वो VIP की तरह बिना टोल भरे जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का आर्थिक बोझ जो था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और आज हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हमारी जनता के साथ में इस टोल नाके पर आकर मिठाइयां बांट रहे और उत्सव मना रहे। फडणवीस जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रामध्ये खास करून मुंबई शहरामध्ये अनेक जे टोल होते यासाठी अनेक आंदोलन झाले, अनेक संघर्ष झाला, पण अनेक सरकार आले अनेक गेल्या, पण यश हे देवेंद्रच्या मार्गदर्शनाला आलं। आणि आज आमचे विधानसभा प्रमुख रवि व्यास जी, भावी आमदार, यांनी पण आम्ही युवा लोकांनी अनेक वेळा या ठिकाणी संघर्ष केला होता, संघर्षाचे अनेक त्यांची दखल घेऊन देवेंद्रजी आज आमचं मीरा भाईंदर कराचं आणि शहरवासींचं ऐकलं, त्याबद्दल सर्व मीरा भाईंदर शहरवासी यांच्या वतीने रवि व्यासजी, युवा अध्यक्ष आमचे दरोगाजी आणि सगळे युवा या ठिकाणी जे आहेत मिठाई वाटतायत, या सगळ्यांना आंदोलनामध्ये संघर्षामध्ये खुशी आज जाहीर करतायत। देवेंद्रजींना मनापासून मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी शहर जिल्हा रवि व्यासजी व सगळे टीम यांच्यामध्ये मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो, कारण हा टोल हा इथं मोठा झोल हा या ठिकाणी हा थांबवण्यासाठी देवेंद्रजी आणि सरकारने जी मदत केली त्याबद्दल सर्वोच्च नेता देवेंद्र फडणवीस जी और टीम को बधाई देता हूँ कि आज उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो हमारे मीरा भाईंदर के जो मिडिल क्लास के लोगों को जो आर्थिक बोझ पड़ता था आज उसे निजात मिला। बहुत लोगों ने दिखावा किया, आंदोलन किया, लेकिन आज महायुति की सरकार को देवेंद्र फडणवीस
जी को बधाई देता हूँ कि आज उनकी वजह से मीरा भाईंदर में लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। आज मीरा भाईंदर के जो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी है, आज देखो चिटनाके पे खड़े होकर मिठाई बांट के हर्षोल्लास से जलूस मना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब,